सवेरा सवेरा अल्लाह ये लड़की कितना सोती है, बस कर दो उठ जाओ। अम्मी पर्दे तो आगे करें, सारी रोशनी आ गई है। नाम तुम्हारा सवेरा है लेकिन दोपहर से पहले तुम्हारा सवेरा नहीं होता। रोज ही होती है दोपहर, आज कोई पहली दफा हुई है। ये कैसी नींद है जो पूरी नहीं होती है तुम्हारी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे अब्बू को इतनी देर तक सोने वाली लड़कियां बहुत बुरी लगती हैं। शुक्र अदा करो वो सुबह ऑफिस चले जाते हैं और शाम को आते हैं। इस तरह वो देख लेंगे ना तुम्हें, पता चलेगा तुम्हें। मम्मी लेक्चर देना बंद करें, सुबह सुबह लेक्चर देना शुरू करें। उफ अल्लाह उठ जाओ, खुदा का वास्ता पूरा किचन फैला हुआ है, मेरी मदद कौन करेगा। कहाँ है वो आपकी चहेती मरियम, उसको बोले ना। भाई वो तो सुबह उठते ही स्कूल चली जाती है ना। एक तो ना उसको भी टीचिंग का भूत सवार है। अपनी बकवास बंद करो और फौरन किचन में आ जाओ, बहुत काम पड़ा हुआ है। और देखो अब मुझे आना ना पड़े तुम्हारी तरफ, सोना नहीं, आ जाओ फौरन। सवेरा जल्दी आओ किचन में, पता नहीं कहाँ रख दिया। सवेरा आवाज नहीं आ रही तुम्हें मेरी, कोई काम बोलो तो बस, कुछ पता नहीं कहाँ चीजें रख के भूल दी है ये लड़की। अस्सलाम वालेकुम चाची। अरे वालेकुम अस्सलाम, तुम कहाँ आई। मैं भी थोड़ी देर पहले आई, आप जाएं आराम करें, खाना मैं बना लूंगी। अरे इतना थक कर स्कूल से आई हो और आप किचन में काम करोगी। आप भी तो सुबह से काम कर रही है ना, आप भी थक गई होंगी। तो मुझे ये बताओ कि तुमने स्कूल में नौकरी क्यों की है, कितनी मेहनत करती हो वहाँ पे भी तुम। चाची मुझे तो बच्चों के साथ मज़ा आता है, दिन भर घर में होती थी तो बोर ही हो जाती थी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने नौकरी क्यों की है, इसीलिए ना कि ताकि तुम मुझ पर और अपने चाचा पर बोझ ना बनो। नहीं नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। अम्मी अबू के बाद तो आप लोगों ने ही मुझे संभाला है, आप लोग ना होते तो मैं भी। तुम बहुत अच्छी हो। क्या हो गया, खाना नहीं बना अभी तक, इतनी भूख लग रही है। खाने और सोने के अलावा तुम्हें और कोई काम है। अम्मी आप हर वक्त मुझे क्यों डांटती रहती हैं? आपकी सारी ममता बस इसी के लिए है, और ये भी इसी ने बोला होगा आपको मुझे कहने के लिए। तुम भड़काती रहा करो बस अम्मी को मेरे बारे में, बस यही करती रहा करो। सवेरा बस कोई जरूरत नहीं बुलाने की, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, सुबह शाम बस एक ही रट लगाई हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको होता क्या जा रहा है, दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही है, खुद सर होती जा रही है। इसको खराब करने में ना तुम्हारा भी पूरा हाथ है, इसके सारे काम तो खुद करती हो। हो गया आपका, अब बस करें और गुस्सा मत करें, आप जाके बैठे मैं बना लूंगी खाना। बस कर दो ना, मेरी बच्ची भी तो थक गई है। नहीं थकी मैं, आप जाए, कोई काम हो तो बुलाना। हाँ अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था ऐसी वैसी लड़की ना, समझना मुझे, खूब जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। किससे बातें कर रही थी सवेरा? था कोई रॉन्ग नंबर, मैंने तो नाम भी नहीं पूछा, पता नहीं कौन था। हर किसी से इस तरह बात नहीं करते, पता नहीं कौन हो कैसा हो, लड़कियां इस तरह बात करती हुए अच्छी नहीं लगती। वैसे बातों से तो अच्छा ही लग रहा था, कह रहा था आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, और मुझे तो आपकी आवाज़ सुनते ही आपसे मोहब्बत हो गई, मुझे तो हंसी आ गई। इसीलिए समझा रही हूँ तुम्हें, गैर मर्दों से इस तरह बात नहीं करते, बुरी बात होती है। वल्ला अब लेक्चर देना मत शुरू हो जाना, अपना अच्छा बुरा मैं खूब जानती हूँ, तुमसे तो ज़्यादा ही समझदार हूँ, तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। अच्छा चाय तो पी लो। बस खाली चाय, पकौड़े भी बना के ले आती ना, इतना दिल कर रहा था ना पकौड़े खाने को। यार तुम मुझे पहले बता देती तो मैं बना लेती। हर बात तुम्हें बस कहनी पड़ती है, रहने दो बस। अच्छा बाबा सॉरी, मैं थोड़ी देर बाद पकौड़े बना दूंगी, अभी तुम चाय पी लो। और वैसे भी अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या अब्बू, ये सूट है तुम दोनों के लिए। दिखाएं दिखाएं।
ये मरियम वाला और ये मेरी बेटी वाला। बहुत अच्छा, थैंक यू। पर मुझे नहीं अच्छा लगा अपने वाला, मुझे वो अच्छा लगा है। लेकिन बेटा वो तुम्हें मरियम के लिए लाया हूँ ना। अरे कोई बात, ये तुम रख लो। नहीं बल्कि ऐसा करती हूँ, मैं ये दोनों रख लेती हूँ, आप मरियम के लिए और ले आइएगा। सवेरा बेटा मैं तुम्हारे लिए फिर से कुछ सूट ला दूंगा। कोई मसला नहीं है चाचा, आप हर महीने मुझे कितने सारे जोड़े ला के देते हैं और मेरे पास अभी बहुत कपड़े हैं। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता ये तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा क्यों करती है। मिजाज ही ऐसा है और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। जीते रहे मेरा बच्चा, चलो मुझे अच्छी सी एक प्याली चाय पिला। आप ही लाओगे। और सुरैया घर में सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सब ठीक है, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आए बैठे। खैरियत रही शाहना बाजी? पड़ोस में रहते हुए भी इतने दिन लगा दिए आपने आने में, पूरे एक हफ्ते के बाद आई हैं आप। मेरी गुड़िया की यहाँ बेटी हुई है, उसी के ससुराल गई भी थी। तुम तो जानती हो ना उसकी नंद शादीशुदा है, रुक नहीं सकती थी और सास भी बीमार रहती हैं, तो मैं ही बच्चे को संभालने के लिए रुक गई थी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप नानी बन गई हैं, फिर तो मेरी मिठाई बनती है। कहाँ है मेरी मिठाई? हाँ हाँ भाई खिलाऊंगी, फिक्र नहीं करो, बस अल्लाह नजर बस से बचाए मेरी गुड़िया को, बहुत खुश है अपने ससुराल में। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह सबकी बेटियों को ऐसा ही ससुराल दे। आमीन। हर माँ ऐसे ही सोचती है। तुम बताओ ना अपनी बेटी के बारे में क्या सोचा है, और फिर मरियम भी तो है, तुम्हारे ऊपर तो दो दो की जिम्मेदारियां हैं, आजकल अच्छे रिश्ते ढूंढना आसान काम नहीं है। जी ठीक कह रही हैं आप, बस बाजी मैं सोच रही थी कि पहले मरियम की जिम्मेदारी से फारिग हो जाऊं, फिर सवेरा के बारे में सोचूंगी। ठीक कह रही हो तुम, तुम्हारी जेठ जेठानी के मरने के बाद मरियम का सब कुछ तो तुम ही लोग हो। हाँ मुझे गुड़िया बता रही थी कि उसके देवर का एक दोस्त है, बहुत अच्छी नौकरी है, माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो समझो कि अकेला ही है, घर भी बहुत अच्छा है और अपना है। मरियम की सास ने उसे अपना बेटा बनाया हुआ है और वही उसके लिए लड़कियाँ देख रही हैं। तुम कहो तो मैं मरियम की बात करूँ उनसे। ये रिश्ता तो सवेरा के लिए बिल्कुल मुनासिब रहेगा, उसके मिजाज के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। क्या सोच रही हो, आजकल ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। वो बाजी मैं सोच रही थी कि ये रिश्ता ना आप मेरी सवेरा के लिए देखिए, मरियम के लिए मैं फिर बाद में देख लूंगी। अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी, करती हूँ फिर मैं बात मरियम की सास से। चलो मैं चलती हूँ, फिर जो भी जवाब होगा उनका मैं तुम्हें फोन पर बता दूंगी। अरे कहाँ चलती हूँ, ऐसे कैसे जाने दूंगी, आप बैठे मैं चाय बना के आती हूँ। हाँ अच्छा चलो। मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ ना। क्या मुसीबत है ये, क्या बात हुई, मेरा मोबाइल क्यों छीना आपने, वापस करें मुझे। मैं तुमसे कितनी देर से बात कर रही हूँ, तुम मुझे जवाब नहीं दे रही हो, सारा ध्यान तुम्हारा मोबाइल में, ये क्या बदतमीजी है। मैंने कल लड़के वालों को बुला लिया है, वो लोग कल आ रहे हैं। मैंने आपको साफ बोल दिया है मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, कोई उम्र है मेरी शादी करने की, अभी तो मेरे हंसने खेलने के दिन है। बात सुनो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तब मेरी शादी हो चुकी थी, बल्कि तुम भी पैदा हो गई थी। तो जो जुल्म आपके माँ बाप ने आप पे किया है वही आप मुझ पे करना चाहती हैं। माँ बाप कभी भी अपनी औलाद पर कोई जुल्म नहीं करते। जान छोड़े मेरी, मेरा मोबाइल वापस करें। तुम बहुत मनमानी नहीं करने लगी हो अपनी, मैं जो कह रही हूँ ना वही होगा, कल लड़के वाले आ रहे हैं, चुपचाप तैयार होकर उनके सामने आ जाना। मरियम बेटा प्लीज कल वो अपने स्कूल की छुट्टी कर लेना, लड़के वाले आ रहे हैं तो बहुत सारा काम होगा घर में, मेरी मदद करवा देना। चाची आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूंगी। ऐसी होती हैं सादतमंद लड़कियां। और यहाँ आओ इससे पूछो कल के कपड़ों के बारे में, ये तो बहुत ही सुस्त लड़की है, कुछ नहीं कर सकती अपने बारे में। मैं इसके लिए कोई ड्रेस निकाल लेती हूँ। अब तुम्हारा वो ब्लू वाला ड्रेस निकाल दो, अच्छा है ना।
अरे वो कुछ पूछ रही है तुमसे, कुछ बोलो मुंह से ताकि मैं कल के लिए प्रेस करवाऊं वो जोड़ा। जान छोड़े आप लोग मेरी, आप लोगों ने जो करना है आप लोग वो करें, और मुझे जो करना होगा ना मैं वो भी करती हूं। सवेरा मेरी ये लड़की ना बिल्कुल पागल हो चुकी है, तुम छोड़ो इसको, तुम वही जोड़ा प्रेस करो बेटा, ठीक है? जरा देखूं इसको। सुरैया ये गुड़िया की सास है और वो उसके देवर के दोस्त अदनान, जिनका जिक्र किया था मैंने। अदनान मेरे बेटे के दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे बेटों जैसे ही हैं, बचपन से जानती हुई ना, बहुत प्यारा बच्चा है। क्या करते हैं बरखुरदार? अंकल एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हूँ। माशाल्लाह। शाहाना बहन बहुत तारीफ कर रही थी आप लोगों की, कह रही थी कि बड़े सुलझे हुए और खानदानी लोग हैं। ये तो शाहाना बाजी की मोहब्बत है, हम लोग एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, इस मोहल्ले में काफ़ी टाइम हो गया रहते हुए। यूँ समझे हैं सुरैया मेरे सामने शादी होकर इधर आई, काफ़ी पुरानी जान पहचान है हमारी, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैंने, बहुत शरीफ लोग हैं, और सुरैया ने अपनी बच्ची की तरबियत तो बहुत ही अच्छी की है, बहुत सआदतमंद बच्ची है। बातें ही करते रहेंगे, आप लोग कुछ लेंगे भी? हाँ भाई कुछ लेना। बरखुदार तुम तो कुछ बोलते नहीं हो, बहुत खामोश तबीयत की वो लगता है। नहीं नहीं अंकल, बस आप लोगों को सुन रहा था इसलिए खामोश था। लड़की को बुलवाइए, बहुत देर। हाँ मैं कहती लेकर आऊँ ना उसको? जी मैं लेकर आती हूँ, आप लोग प्लीज कुछ लेना लोग। हाँ मरियम कहाँ है सवेरा, अभी तक तुम उसको लेके क्यों नहीं आई? चुप क्यों खड़ी हो, कहाँ है सवेरा? चची वो तो चली गई। चली गई है लेकिन कहाँ चली गई है? वो उसकी फ्रेंड की बर्थडे थी तो वो उसकी बर्थडे पार्टी में चली गई है। और तुमने उसे जाने दिया? कम से कम जाने से पहले मुझे तो बताना चाहिए था। चची मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मैंने कहा भी कि मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उसने मेरी कोई बात सुनी ही नहीं। क्या हो गया सुरैया, क्यों नहीं सवेरा को अभी तक लेकर आई हो? बाजी वो सवेरा होगी तो लेकर आऊंगी ना। क्या मतलब सवेरा होगी? वो चली गई अपने दोस्त के पास। तुमने उसको बताया नहीं था कि रिश्ते वाले उसको देखने आ रहे? बाजी सब कुछ बताया था उसको, लेकिन आप जानती तो है कि वो बचपन से कितनी जिद्दी है, जो सोचती है वही करती है। क्या ये तो बहुत बुरा हो गया, मेरी बेटी के ससुराल का मामला है, अब क्या होगा? तुम तो अपनी बेइज्जती तो कराओगी, मेरी बेइज्जत खाक में मिला दोगी, क्या सोचेगी उसकी सास? बाजी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सुरैया ऐसा करो मरियम को ले आओ। हाँ मरियम को? हाँ सुरैया देखो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मरियम तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं करती, बस तुम मरियम को नीचे ले आओ, मैं बात संभाल लूँगी, मैं उनसे कह दूँगी कि तुमने अपनी बेटी के लिए नहीं अपनी भतीजी के लिए कहा था, मुझसे गलत फहमी हो गई है। हाँ बस सही है, बस बेटा तुम आ जाओ सवेरा ना सही मरियम सही, मैं उनको बता देती हूँ कि तुम आने वाली हो बस। चची मैं कैसे जाऊँगी? मान भी जाए ना, कर तो रही हूँ सॉरी, हो गई गलती,
आइंदा से नहीं करूंगी। और एक तरह से तो अच्छा ही हो गया ना, मेरे जाने से मरियम का रिश्ता हो गया। अब मेरा रिश्ता हो या मरियम का हो, एक ही तो बात है। और बड़ी तो है 2 साल मुझसे। सवेरा प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अम्मी मुझे पता है आप ज्यादा देर तक ना मुझे नाराज नहीं रह सकती। अब्बू आप बनाए ना अम्मी को। अरे बेटा मैं तो समझा के थक गया हूँ, मेरी सुनती कहाँ है वो। मैं तो पहले ही कहा था कि हमें रिश्ता मरियम के लिए देखना चाहिए, वो बड़ी है, हमें उसकी शादी पहले करनी है, लेकिन नहीं। तो अच्छा ही हो गया ना, जिसकी किस्मत में जो होता है उसे वो ही मिलता है। अब वो लड़का और रिश्ता मेरी किस्मत में थे ही नहीं। और अब जो कहेंगी ना वो बात चुप करके मान लूंगी, और सॉरी भी तो कर रही हूँ कान पकड़ के। सवेरा तुम अकलौती औलाद होने का फायदा उठाती हो ना। ये तो है। अच्छा ये बताएं कि क्या कहा लड़के वालों ने, उन्हें हमारी मरियम पसंद आई? हाँ आ गई है पसंद। बाजी का फोन आया था, कहीं थी कि मरियम उन्हें बहुत अच्छी लगी है और रिश्ता पक्का है। अरे वाह ये तो बड़ी खुशी की खबर है, इस बात पे तो मिठाई बनती है। मरियम है कहाँ पे? अरे स्कूल के काम में लगी हुई है अपने, बहुत मेहनती बच्ची है माशाल्लाह। मैं मरियम को बुला के लाती हूँ और मिठाई भी लेके आती हूँ, इतनी खुशी की खबर है। मरियम कहाँ हो? क्या कह रहे हैं ये लोग, कब तक शादी कह रहा था? बाजी का फोन आया था, कह रही थी कि लड़का बिल्कुल अकेला होता है, उसे खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। चलो ये तो अच्छा है, मरियम की शादी हो जाए तो फिर सवेरा के बारे में भी सोचे। बल्कि मैं तो कहता हूँ अगर हमें सवेरा के लिए कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए जल्दी से, दोनों बच्चियों की शादी साथ ही कर दें फिर। ये क्या बात कही आपने, मतलब दोनों बच्चियाँ चली जाएंगी तो हम दोनों क्या करेंगे, बच्चियों से ही तो रौनक है घर में। अरे बेगम एक ना एक दिन तो इन बच्चियों ने हमें छोड़ के जाना ही है। बेहतर है कि आप अब सिर्फ मेरे साथ रहने की आदत डाल ही लें। अम्मी ये बाहर किसकी इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी हुई है? अदनान आया हुआ है। कौन अदनान? हमारा तो कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जिसकी इतनी बड़ी गाड़ी हो। आहिस्ते बोलो, अंदर ही बैठा हुआ है, मरियम का मंगेतर जिससे उसका रिश्ता हुआ है। मरियम का मंगेतर इतना अमीर है? और आपने मुझे ये बात ही नहीं बताई। बताया तो था तुम्हें मैंने, भाई बहुत अच्छा लड़का है और बहुत अच्छी नौकरी भी करता है। और हाँ वो अंदर ड्राइंग रूम में बैठा है, तुम भी जाके मिल कर आओ। आप कुछ? नो थैंक यू, शुक्र है आपने कुछ बोला तो सही, मुझे लग रहा था कि आप बात ही नहीं करते। नहीं ऐसी बात नहीं है। चले फिर अपनी हॉबीज ही बता दीजिए, ये बता दीजिए कि सारा दिन क्या करती हैं। हॉबीज? ये तो बहुत ही बोरिंग है, और इसकी हॉबीज उससे भी ज्यादा बोरिंग। आप कौन? ये तो मेरा इंट्रोडक्शन करवाएगी नहीं, तो अपना इंट्रोडक्शन मैं खुद करवा देती हूँ। मैं हूँ सवेरा, मरियम की कजिन, ये घर मेरा है और मैं हूँ इस घर की इकलौती वारिस। नाइस। वैसे मैं मरियम के लिए एक गिफ्ट लेके आया था। किस खुशी में? वैसे मंगनी करने के ना ये बड़े फायदे होते हैं, मुफ्त के गिफ्ट मिलते रहते हैं। तुमने भी इसीलिए मंगनी की है, पता है मुझे। लगता है आप एंगेज्ड हैं। बिल्कुल गलत, आपने पहली दफा में मेरे बारे में बहुत गलत अंदाजा लगाया। ये आपके लिए। ये मेरे लिए? हाँ हाँ ले लो,
अब तुम्हारे मंगेतर हैं, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाएंगे, मेरे लिए लाने से तो रहे क्यों अदान। अब वैसे इसमें है क्या, ये तो आपसे पूछेगी नहीं, तो मैंने कहा मैं ही पूछ लेती हूँ। इसमें रिंग है। रिंग? हाउ रोमांटिक। अब रिंग लाए हैं तो पहनानी तो पड़ेगी। जी मैं पहना देता हूँ। नहीं नहीं आप एक काम करें, मुझे दे दें, मैं बाद में खुद पहनूंगी। थैंक यू। ओफो, इतनी देर से बैठे हैं, ये नहीं हुआ तुमसे कि तुम इनसे कुछ पूछ ही लो, घर आए हैं हमारे। ये खाएं, ये समोसे बहुत अच्छे बनाती है, तुम भी लो, अपना ही घर समझो। खाए ना। अदनान ने रिंग दी है, दिखाओ। ये तो बड़ी खूबसूरत है, गोल्ड की लग रही है। गोल्ड की रिंग दे दी बगैर किसी वजह के। हाँ मरियम, वो तुम कल स्कूल की छुट्टी कर लो। क्यों चाची? अदनान का फोन आया था, वो तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाना चाह रहा था। तुम्हें पता तो है कि वो अकेला है और सारा कुछ उसने खुद ही करना है। ठीक है, मैं छुट्टी कर दूंगी। खुश रहो। और तुम टाइम पे सो जाना, मोबाइल में ना लगी रहना। अच्छा अम्मी। मरियम एक बात कहूँ, तुम्हें पता है ना मेरी कोई सगी बहन नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सगी बहनों से बढ़ के समझा है, बल्कि तुम तो मेरी सगी बहन ही हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अदनान के साथ ना कल शॉपिंग पे नहीं जाना चाहिए। देखो मरियम, यूं वैरों के साथ घूमना फिरना, इधर उधर जाना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी ये जो लड़के होते हैं ना, बड़े चालाक होते हैं। शुरू शुरू में अपने फियांसे के साथ घूमते फिरते हैं, और फिर जब कुछ गलत हो जाता है ना, तो सारा इल्ज़ाम अपनी फियांसे पे लगा देते हैं। हाँ हाँ, मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ हुआ था ऐसा। हर वक्त अपने फियांसे के साथ घूमती फिरती रहती थी, इतनी लड़ाइयाँ हुई कि रिश्ता ही खत्म हो गया, बात शादी तक पहुंची नहीं। लेकिन मुझे तो अदनान ने खुद शॉपिंग के लिए कहा है ना। पागल, मैं तुम्हें यही तो समझा रही हूँ, वो तुम्हें आजमा रहा है। पर मैं शॉपिंग के लिए नहीं जाऊंगी तो वो अकेले कैसे करेंगे शॉपिंग? हाँ ये तो मसले वाली बात है, लेकिन इसका एक हल है मेरे पास। तुम्हारे लिए मैं ये कुर्बानी दे दूंगी। वैसे तो मैंने अपनी दोस्त हमारा है ना, वो हमारा, उसके साथ उसके मामू के घर जाना था, लेकिन मैं अब उसे मना कर दूंगी और मैं चली जाऊंगी अदनान के साथ शॉपिंग के लिए। ठीक है, अब तुम सो जाओ, सुबह स्कूल भी तो जाना है। मुझे इजाजत दें, मुझे देर हो रही है। लेकिन आप अगर मेरे साथ चलती तो अच्छा होता, मुझे घर की चीज़ों का आइडिया नहीं है। वो एक्चुअली बच्चों का टेस्ट है, तो आई एम सो सॉरी, मैं छुट्टी नहीं ले पाऊंगी। लेकिन मेरे लिए तो एक दिन की छुट्टी ले सकती हैं। जी मैं अदनान, आप टेंशन क्यों लेते हैं, मैं चली जाती हूँ आपके साथ। वैसे भी मरियम को घर की चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है, इसकी सारी शॉपिंग मैं और अम्मी करते हैं। इसको तो पता ही नहीं है कुछ। अच्छा मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। आप रुके, मैं अम्मी को बता के आती हूँ। जी ठीक है। Thank you.
थैंक यू सो मच आप मेरे साथ शॉपिंग पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको चीज़ों का। वैसे सच पूछे तो मुझे आपके साथ यूँ आना अजीब सा लग रहा था, लेकिन जब मैंने आपका चेहरा देखा तो मुझे आना पड़ा। मरियम ने आपको मना किया, आपको बुरा लगा ना? मैं तो आपका चेहरा देखते ही समझ गई थी। चेहरा पढ़ लेती हैं आप। क्या हो जाता अगर वो स्कूल से एक दिन छुट्टी कर लेती और आपके साथ शॉपिंग पे आ जाती। अम्मी अबू तो कह कह के थक गए हैं कि स्कूल छोड़ दो, शादी के बाद भी तो स्कूल छोड़ोगी ना, मगर वो है कि मानने को तैयार नहीं है। मुझे भी समझ नहीं आती कि वो क्यों इतना रिजर्व रहती है। मैं चाहता हूँ कि हम बैठे हैं, बातें करें, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो, पर मजा लेके रिस्पॉन्ड करें। मुझे लगता है उसने आपको बताया नहीं है। किस बारे में? अरे छोड़े, मैं भी ना ऐसे किसी भी बात में पड़ जाती हूँ। कोई और बात करते हैं, और बताएं। नहीं सवेरा प्लीज, आप मुझे बताएं कि क्या बात है। देखिए हमारे लिए तो ये पूरी जिंदगी की बात है। मैं नहीं चाहता कल को कोई प्रॉब्लम हो। मुझे समझ नहीं आता, वो बहुत वियर्ड बिहेव करती है। फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन नहीं उठाती, उठा लेती है तो बहुत मुख्तसर सी बात करती है। मुझे समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों करती है। वो एक्चुअली मरियम अपने स्कूल में अपने किसी कलीग को पसंद करती है। आप ये क्या कह रही हैं? बिल्कुल सच बोल रही हूँ। चाहे तो आप मरियम से खुद मालूम कर लीजिएगा। उसने आपसे रिश्ता भी सिर्फ अम्मी अब्बू के दबाव की वजह से किया है। शाहना बाजी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा सुरैया। जब से अदनान ने ये बात की है कि वो सवेरा से शादी करना चाहता है, मरियम से नहीं। क्या अदनान सवेरा से शादी करना चाहता है और मरियम से? सवेरा जी अम्मी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या अदनान तुमसे शादी करना चाहता है मरियम से नहीं? मुझसे भी अदनान ने यही कहा था, मैंने तो साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आप मरियम के मंगेतर हैं, मुझसे हरगिज ऐसी बात ना करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। शाहना बाजी, आप अदनान को समझाएं, ऐसे कैसे हो सकता है? सुरैया, जब से अदनान ने ये बात की है, मैंने और बुढ़िया की सास ने बहुत दफा उससे बात की, लेकिन उसकी तो एक ही रट है कि वो सवेरा से शादी करेगा, मरियम से नहीं। तो बस फिर ठीक है, आप इनकार कर दें, हम अपने घर से कोई बेटी नहीं देंगे उनको। नहीं नहीं सुरैया, सोच लो अच्छी तरह, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। बस कह दिया ना, नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। कुछ अजीब सी बात नहीं है बाजी, आप खुद सोचें। पहले वो मरियम के पीछे लगा रहा और अब सवेरा के लिए जिद कर रहा है। मैं मरियम की खुशियों की कब्र पे सवेरा का घर नहीं बसा सकती। सुरैया, तुम सवेरा से तो पूछ कर देखो, क्या पता इसको एतराज़ नहीं हो। अगर इसे अदनान पसंद है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो तुम्हें क्या एतराज़ है इस रिश्ते से? अम्मी, शाहना खाला बिल्कुल ठीक ही तो कह रही हैं। आपने कहीं ना कहीं तो करनी है ना मेरी शादी, तो अदनान से। चची, आप सवेरा के लिए अदनान को हाँ कर दें। ये कैसी बातें कर रही हो मरियम? मैं जानती हूँ कि तुम इस रिश्ते से कितनी खुश थी। मैं तुम पे ये जुर्म नहीं होने दूंगी। चची, ये सब तो किस्मत की बात है। किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है।
शायद शायद अदनान मेरी किस्मत में नहीं लिखे, सवेरा और अदनान का रिश्ता पहले ही लिखा हुआ। और वैसे भी इस घर से मेरी शादी हो या सवेरा की, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मरियम, तुम्हारे चचा को इस बात का पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे। मम्मी आप अबू की फिक्र ना करें ना, मरियम है ना, वो राजी कर लेगी, है ना मरियम? आप चचा की फिक्र मत करें, उनसे मैं बात कर लूंगी, मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बात नहीं डालेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपकी मुंह दिखाई का तोहफा। शुक्रिया। ये तो बहुत खूबसूरत है और बहुत कीमती भी। आपसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है। आज सारे भी यही बात कर रहे थे, हर कोई कह रहा था कि इतनी हसीन लग रही हो। सब मतलब कौन कौन तारीफ कर रहा था आपकी? हाँ हर कोई, अम्मी भी इतनी बलाएं ले रही थी, सब कजन्स, सब फ्रेंड्स, सब यही कह रहे थे कि सब कह रहे थे जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। आपके कजन्स में कुछ मेल कजन्स भी हैं? हाँ, दो मामू के बेटे और एक चाचा का बेटा। आप ये मुझे पहना देंगे? ये आप आपके मामू के बेटे और चाचा के बेटे वो भी तारीफ कर रहे थे आपकी? वो भी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे बहुत हसीन लग रही हो। Thank you.
ये तैयार क्यों हो रही हो तुम? अरे खुद ही तो आपने कहा था कि अम्मी के घर जाएंगे, अब नई नवेली दुल्हन हूँ, तैयार होकर अम्मी के घर नहीं जाऊंगी तो क्या कहेंगी? जाए ना वो ज्वेलरी लेके आए मेरे। कोई जरूरत नहीं है ज्वेलरी पहनने की। क्या मतलब ज्वेलरी पहने बगैर अम्मी के घर चली जाऊं? अम्मी डांटेंगी। अम्मी कहती है कि नई नवेली दुल्हन को तैयार होकर रहना चाहिए। हाँ रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ मेरे सामने। क्या कर रहे हैं आप? पागल तो नहीं हो गए? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा, मेरा पागलपन नहीं देखा। इसलिए ना ज्यादा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, जाओ जाके मुंह धोकर आओ। ये क्या हरकत है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या चाहती हो तुम? यही चाहती हो ना, सारे लोग तुम्हारी खूबसूरती के कसीदे पढ़े, यही मेकअप करके मुझे भी फंसा लिया ना तुमने। अब चाहती हो कि गैर मर्द भी तुम्हें देखे, तुम्हें मजा आता है ना? मुझ पे किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ तुम जैसी लड़के हो। मामा शरीफ बनने का नाटक करती हो, किसी घूमती थी ना मेरे साथ शादी से पहले, ऐसी शरीफ लड़कियाँ ना अपनी बहन के मंगेतर के साथ घूमती फिरती नहीं है। और मेरी बात ना एक कान खोल के सुन लो तुम, ये मेकअप करना, ये तैयार होना, ये मुझे पसंद नहीं है। और बिला वजह मेरी इजाज़त के बगैर इस घर से बाहर कदम भी निकाला ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ आई? चलो जाओ जाके मुंह धोकर आओ, और ये सब कुछ साफ करो इसे। चलो गो जाओ। हेलो, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता आप कौन है, रॉन्ग नंबर। सुनो चाय बना दो मेरे लिए, इधर लो। हेलो क्या हुआ भाई, आवाज नहीं सुन रही, बोलती बंद हो गई, ये कोई और आवाज सुननी है? हेलो कौन था ये? पता नहीं कोई रॉन्ग नंबर था, सुबह से परेशान करके रखा है। रॉन्ग नंबर? साफ साफ तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ झूठ बोल रही है मेरे साथ, सच सच बताओ कौन था ये? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, आप बिला वजह मुझ पे शक कर रहे हैं। सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों नहीं कहती तुम, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फोन था? हाँ पास कर रही हो मेरे सामने, शादी के बाद भी रिश्ता रखा हुआ होगा उससे तुमने, मेरे साथ भी तो जाती थी ना बाहर बगैर शादी के घूमने फिरने, तो औरों के साथ भी जाती होगी। बस कर दे अदनान, मुझे नहीं पता ये कौन है, अब बिला वजह मुझ पे शक कर रहे हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे साथ बकवास नहीं करो, मुझे क्या पता मेरे पीछे किस किस से बातें करती होगी तुम, कोई होगा ना तुम्हारा आशिक, पढ़ता होगा तुम्हारी खूबसूरती के कसीदे। शादी के बाद कभी किसी से बात नहीं की, आपके अलावा मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं है, आपके अलावा और किसी से मोहब्बत नहीं करती। अच्छा चलो तो फिर ये बता दो शादी से पहले कौन कौन थे, बोलो क्या हो गया, खामोश क्यों हो गई? जो तुम्हारी खामोशी है ना यही साबित करती है तुम्हारा जुर्म, तुमसे अच्छी तो वो मरियम थी, कम से कम मेरे कहने पे मुझसे बात नहीं करती थी, घूमने नहीं जाती थी, और तुम तो मौके का फायदा उठाने वाली लड़की लगती हो मुझे, हर किसी के साथ घूमती फिरती होगी। बस करते
बस कर दे, मैं आपके और ताने बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस कर दो, बस कर दो, ये तुम्हारे मगरमच्छ के साथ बर्दाश्त नहीं होते। जिंदगी अजीरन कर दी है मेरी तुमने। जिंदगी अजीरन तो मेरी हो गई है, बात बात में मुझ पे शक करते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, कहीं आ जा नहीं सकती, इस घर में घुट घुट के रह रही, इस घर से निकलना दोबर हो गया मेरा। अच्छा, घर में कैद होके रह गई हो तुम? ओहो, तो ठीक है, मैं आजाद कर देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। प्लीज, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे तलाक मत दे, प्लीज मुझे तलाक मत दे, प्लीज। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वो चची, मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, आप रहने दें। पता है आज इतने दिनों के बाद सवेरा घर आ रही है, मैं तो यही चाह रही हूँ कि सारे खाने में अपने हाथों से बनाऊं। मुझे समझ में नहीं आता है ये अदनान इतने दिनों के बाद क्यों ला रहा है सवेरा को। शादी के बाद मसरूफियात बढ़ जाती है, और हो सकता है फिर इतना टाइम नहीं मिलता हो कि वो यहाँ आए। ये सब कौन आ गया? मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दे, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सवेरा, सवेरा क्या हुआ? अदनान भाई नहीं आए? चची, चची जल्दी आए, सवेरा आई है। चची, सवेरा क्या हुआ? सवेरा, सवेरा तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो रही है? चची क्या हुआ? सवेरा, सवेरा कुछ हुआ है? सवेरा, सवेरा ये तुमने क्या हालत बना रखी है? और अदनान कहाँ है? चची आप इसे संभाले, में पानी लेकर आ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। क्या हुआ सवेरा, क्यों इस तरह माफिया मांग रही हो? मैंने अदनान के दिल में जानबूझ के तुम्हारे लिए गलत फहमियां डाली, उसे तुमसे दूर किया और उससे शादी कर ली, तुम्हारा बुरा चाहा, और देखो आज मेरा बुरा हो गया। उसने मुझे तलाक दे दी। ये कैसे हो सकता है सवेरा? अम्मी ये सच है, उसकी दौलत, शोहरत, पैसा सब देख के तो मैं पागल हो गई थी। मुझे लगता था बस यही सब चीजें जरूरी है जिंदगी के लिए, पर मैं गलत थी। उस इंसान ने तो मेरा जीना दोभर कर दिया, वो मुझ पे शक करता था, मुझे ताने देता था, मुझे इतनी बुरी बातें करता था। वो पागल है, वो बिल्कुल पागल है। और आज तो उसने मुझे अकेला कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना, तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेंगे। मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा, हमेशा तुम्हारे लिए गलत करना चाहा। देखो तुम्हारा गलत किया ना,
आज मेरे खुद के साथ गलत हो गया। Mom!